अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीजी बट ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर आने वाले वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज आपका भाई का फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक न्यू एंट्री के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे केज पे हमारी कॉलोनी के अंदर एक न्यू एंट्री हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना है और जो नए लोग हैं और इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देर नहीं करें, फटाफट सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मज़े की और बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो चलिए अब मैं आप लोगों को वीडियो शुरू करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग आज क्या नई चीज़ लेकर आए हैं। और ये चीज़ जो है मैंने लालू खेत बट मार्केट से परचेज़ की है, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या चीज़ मैंने परचेज़ करी है। तो मैंने दोस्तों फिंच का एक पेयर मैंने परचेज़ किया है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने सात बजे से परचेज़ किया या मार्केट से परचेज़ किया है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये जोड़ा जो मैंने सात बजे से परचेज़ नहीं किया, इंशाल्लाह सात बजे से अलग मैं दूसरे पेयर परचेज़ करूँगा। ये मुझे मार्केट में मैं गया था तो वहाँ पे हमें अच्छा लगा और कम रेंज में आ रहा था, क्योंकि सात भाई से मेरी बात हुई थी, सात भाई के पास थोड़े से कॉस्टली वेटेशन बाकी थी। उन्होंने बोला जैसे मैंने आपको दिया था वो जो है सारे सेल आउट हो चुके हैं, थोड़े से ऊपर के बाकी हैं जो 6,000-7,000 से लेके 22,000 तक के। तो मैंने फिर बोला कि हमारी इतनी रेंज नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा चलो मार्केट में हम लोग ऐसे गुजर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि होगा रूम जो है ना परचेस करना था, लेकिन हम लोग को फिंच पेयर अच्छा लगा तो हम लोगों ने ये परचेस कर लिया। तो चलिए मैं आप लोगों को पेयर दिखाता हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो दावर भाई से बोलता हूँ कि वो लेकर आए तो वो दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये देखिए हमारी न्यू एंट्री, ये दावर भाई लेके खड़े हुए हमारे, तो इनको पसंद आई थी ये और फिर हमें भी अच्छी लगी। इन्होंने बोला भाई ये मुझे अच्छी लग रही है, दिल पर लग रही है, ये ले लेते हम लोग। मैंने बोला भाई ले लो चलो, तो नेक्स्ट टाइम फिर होगा रूम इंशाल्लाह परचेस कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को करीब से दिखा देता हूँ, ये देखें, बल्कि मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये बैक कैमरे का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है उस पर दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, ये इजाबेल डबल ट्रिपल ऑरेंज का पेयर है, ये देखें सामने इसके देख सकते हैं आप, ये देखें ये इसका मेल है ऊपर जो बैठा हुआ है और ये जो है दाना जो खा रही है ये फीमेल है इसकी, और ये हमने मटकेट की लगा दी है। तो अब ये कि इस मटकी को हम लोग चेंज करके बॉक्स लगा देंगे जैसे मैंने पिछला म्यूटेशन के पेयर में लगाई है। तो अभी हम सोच रहे हैं इसको यहाँ पर लटकाने का, क्योंकि इस कॉलोनी के अंदर जो मैं आप लोगों को बताऊँगा इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बना के, वरना फिर आप लोग बोलेंगे ये उसी म्यूटेशन के साथ क्यों नहीं रख रहे, तो वह मैं आपको इंशाल्लाह किसी दिन बताऊँगा। तो अभी जो हम लोग यहाँ लटकाने का सोच रहे हैं इंशाल्लाह, फिर एक और लाते रहेंगे, फिर यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक कोने में यहाँ पर लाइन से लगा देंगे। तो यहाँ पे वैसे पर्दे वगैरह की रेलिंग थी तो इसकी वजह से यहाँ पे लटका रहे हैं। तो चले आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को पेयर पसंद आया होगा और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को किस तरीके का कैसा लगा ये पेयर। तो आप लोग ये देखें, मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ से गेट खोल के भी ये देखें वादी कहाँ गई, वादी ऊपर है। तो ये देखें ये पेयर है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं ये पेयर कितने का होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा आप लोग बताएं पेयर, लेकिन साइज़ बड़ा है, वीडियो में छोटा लग रहा होगा लेकिन वीडियो भी वैसे मुझे बड़ा ही लग रहा है, लेकिन आप लोग इस तरीके नहीं समझिए कि साइज़ छोटा है, साइज़ उसका काफ़ी बड़ा है और सामने से चेस भी देख सकते हैं आप इसका, ये देख लें, ये देख लें ऑरेंज का पेयर है ये। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको ये पेयर कैसा लगा है, और ऑरेंज का पेयर है ये, सही है। तो कमेंट में आप लोग बताएं कितने का होना चाहिए, सही सही बताइएगा, दिल जलाने वाली बात नहीं करिएगा। तो चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, फिर हमारे अल्लाह हाफिज़।